हाय, मैं मोहम्मद अफशान मलिक, मैं इंडिया के उत्तराखंड पार्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने यहाँ पे फर्स्ट एडमिशन लिया है टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मुझे अप्रोक्सीमेटली यहाँ 3 महीने हो चुके हैं। मैं यहाँ फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में हूँ। इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके ज़्यादा अपने स्पेंड मनी नहीं करना चाहता था, तो मैंने अपने पेरेंट्स से बातचीत की, इन्वॉल्वमेंट लिया उनका, और मैंने रिसर्च की यहाँ कॉलेज की। तो मैंने ये देखा कि जो टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये टॉप 10 मेडिकल यूनिवर्सिटी में आती है, और यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे मतलब लोग बहुत, मतलब यहाँ की जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी है, और जो टीचर्स लोग कम्युनिकेट जो हमारा रहता है वो इंग्लिश में ही बहुत अच्छा रहता है, मतलब हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। ये हमारा डीन ऑफिस है और इसमें हमारी कुछ मेन क्लासेस भी लगती हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, फार्मा की क्लास लगती है, और जो हमारे अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं वो यहाँ के सब 300 से 400 मीटर के अंडर में ही आते हैं, हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। और जो यहाँ का ट्रैवलिंग जो है वो, मतलब अगर हम बाय वॉक जाना चाहें तो बाय वॉक भी कर सकते हैं, और बाय ट्रांसपोर्ट जाना चाहें तो बाय ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू आता नहीं है, और जल्दी से जल्दी हम अपने डिपार्टमेंट पहुँच जाते हैं। यहाँ का जो विंटर सीज़न है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, और जो यहाँ का समर सीज़न है वो तो बहुत ही प्यारा है, और यहाँ के अगर लोग बच्चे आके यहाँ हॉस्टल में रहना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा है, और जो प्रेफर करता है कि मुझे अपार्टमेंट में ही रहना है तो वो अपार्टमेंट में भी रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के अपार्टमेंट भी बहुत सस्ते हैं, वेल फर्निश्ड मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड लिविंग बहुत अच्छा है, मतलब सस्ता है, लोग काम चला सकते हैं अपना ले देके। चलो आप कुछ पढ़ाई की बात कर लेते हैं। यहाँ का जो स्टडी ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छा है, और अगर बंदा फर्स्ट ईयर से लेकर सिक्स ईयर तक पूरा फॉलो करता है, सेम मतलब डेली कॉलेज जाता है, डेली क्लासेस लेता है, कोई भी रिवर्क नहीं लगवाता है, तो उसको MCI करने के लिए या किसी चीज़ पेपर निकालने के लिए कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं लेना पड़ेगी, और यहाँ का MCI रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर जो बंदा सोचता है इंडिया में रह के कि या यूक्रेन में आके यहाँ पे आके कि अगर पढ़ाई यहाँ पे बहुत आसान हो जाती है या हमें बहुत आराम से हो जाता है सब कुछ, तो ये सब गलत सोचता है। यहाँ पे बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, वरना यहाँ पे एक्सफेल भी हो जाते हैं बच्चे। और यहाँ पे जो बच्चा अगर सोचता है कि चलो यार ये क्लास बाद में ले लेंगे या नहीं लेंगे हम, तो ये सब गलतफहमी रहती है। यहाँ पे उस क्लास की आपको पेनल्टी भी भरना पड़ेगी और वो क्लास का रिवर्क भी लेना पड़ेगा, और अगर आप ये रिवर्क नहीं लेंगे तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं।